क्या हालचाल मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे मेरे बच्चों सब बढ़िया चलिए ग्रेट तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आर आई यूपीएससी देखो बच्चा लोग वो आई यूपीएससी मैंने उस अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं जो क्लास टेंथ सीबीएसई में इंक्लूडेड है वो बच्चे जो इसको और हायर एंड पर पढ़ना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि मेरे को तो इलेवेंथ लेवल का पढ़ना है गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास इलेवेंथ नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कहाँ पर अपने ग्रेविटी सर्कल चैनल पर उस प्लेलिस्ट पर जाओ मैं उस प्लेलिस्ट को आपके ऊपर ये जो आई बटन रहता है इस आई बटन में डाल दूंगा आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वो मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी उस पर मैंने आई यूपीएससी के ऊपर कुछ तीन लेक्चर बनाए हैं पहला वाला लेक्चर तो कुछ एक घंटे सत्रह मिनट का है आप उसको देख लो आपको मजा आ जाएगा ठीक है पूरा बेसिक से पढ़ाया है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ठीक है चलिए अब एक एक करके कार्बन और इस कंपाउंड्स की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों जो आपके सामने आ रही है दैट इज कम्बशन कंबशन फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडीज कंबशन ठीक है अच्छा कई एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जैसे पढ़ाना शुरू करता हूं um, जो भी क्लास एट्थ नाइन्थ और टेंथ के बच्चे हैं गाइज फेबुलस न्यूज़ फॉर यू दैट मैं अभी अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ एंड वहाँ पर मैंने स्पेशल क्लासेस लेना स्टार्ट की है एंड वो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और स्पेशल क्लासेस में मैं कुछ मोटिवेशनल टाइप की क्लासेस लूँगा जैसे छः तारीख को आपको उसके अंदर एक स्पेशल क्लास में साढ़े छः बजे मेरी स्पेशल क्लास होने वाली जिसमें मैं बताऊँगा कि अर्ली स्टार्ट जे और नीट के लिए क्यों जरूरी है उसके अलावा मैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के जो सब्जेक्ट्स हैं जो चैप्टर्स हैं उनको मैं अभी एट्थ नाइन्थ और टेंथ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंड दे आर डूइंग रियली वेरी वेल तो अगर आप लोगों को भी वो चीज़ अटेंड करनी है तो क्या इस अकेडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना मेरी अकेडमी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अन अकेडमी को तो मेरा रेफरल कोड भी मैंने उसके अंदर दे रखा है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा ठीक है मैं वहाँ पर जेई नीट फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इलेवन ट्वेल्थ के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों का बेस बनाना चाह रहा हूँ दैट इज़ वाई आई सेट येस टू दैट प्लेटफॉर्म ठीक है चलिए सो बैक टू टॉपिक कंबशन की हम लोग यहां पर मेरे लाडले बच्चों बात करते हैं वॉट डू यू मीन बाय का मतलब होता है बर्निंग कंबशन बोले तो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज को अगर आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो सो दैट इज कॉल्ड कंबशन दूसरी खास बात आप लोग नोट करिएगा कि जब कभी भी आप कोई भी कार्बन और इट्स कंपाउंड्स कार्बन और इट्स कंपाउंड आर ऑलवेज कंबस्ट दे आर ऑलवेज कंबस्ट टू गिव टू गिव एनर्जी यानी जब कभी भी आप कार्बन या कार्बन से बनने वाले कंपाउंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन ओके मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो इसके कंपाउंड्स में मैं किन की बात कर रहा हूं ओनली एंड ओनली हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा मैंने छोटे में लिखा है आप लोग इसको कर लीजिएगा हाइड्रोकार्बन ये हमेशा जब जलेंगे ना तो जलने के बाद ये आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि देखो अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में एनर्जी निकलेगी उसके अलावा अगर आपके पास में मीथेन है तो आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको एनर्जी देखने को मिलेगी ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई आपत्ति पक्की बात श्योर है हम लोग अच्छा यहाँ पर आप एक काम करो आप सी एच थ्री सी एच टू ओएच को बर्न करो यानी आप आपके इथेनॉल को बर्न करो देखो इथेनॉल भी कार्बन कंपाउंड ही है तो ये भी आपको देगा टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तीन चार पाँच और छह यानी तीन मोल्स ऑफ वाटर सो थ्री और इसको एक काम करते हैं तीन और चार सात अगर मैं इसको सिक्स कर दूं तो सिक्स प्लस मुझे हाइड्रोजन बारह करने पड़ेंगे तो यहाँ पे तो इसको मैं कर देता हूं टू तो इसको मैं कर देता हूं फोर अब आप देखिए आपके कार्बन हो गए बैलेंस एक दो तीन चार वेरी गुड हाइड्रोजन छह दूनी बारह बैलेंस हो गए तीन चार पांच छह छह दूनी बारह अब ऑक्सीजन बैलेंस कर देते चार दूनी आठ आठ और छह चौदह चौदह बोले तो चौदह बोले तो दो तो यहां अवेलेबल है तो चौदह ऑक्सीजन में से फोर टू जट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन में से दो तो यहां अवेलेबल है ट्वेल्व बचे तो सिक्स सीओ टू तो ये आपकी देखो यहां पर भी आपको एनर्जी ही मिली कार्बन डाइऑक्साइड निकला वाटर निकला और एनर्जी निकली तो बेसिकली ये सारी रिएक्शंस कैसी होती है एक्सोथर्मिक तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल आर ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक दे ऑल आर एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होने की वजह से दीस कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स दीस कंपाउंड्स आर यूज्ड एज दीस कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स आप इन्हें फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल करोगे इज दैट क्लियर टू यू बच्चा लोग कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए तो इस तरीके से आपको यहां पर मेरे लाडले बच्चों कंबशन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है दिस इज हाउ यू कैन सी कंबशन क्या ये चीज क्लियर होती है किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पक्की बात श्योर शॉट आगे बढ़े ठीक है ग्रेट अच्छा और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं चलिए अब अगर मान लीजिए ये सारी केमिकल रिएक्शंस ये सारी केमिकल रिएक्शंस अगर हो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को लैक ऑफ ऑक्सीजन में करूं और इसको ऐसा बोला जाए कि वी हैव लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वी हैव लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा इसको बोला जाएगा दैट इनकम्प्लीट कंबशन will टेक प्लेस यहां पर क्या होने लगेगा इनकम्प्लीट combustion आपको दिखाई देगा एंड वॉट डू मीन बाई इनकम्प्लीट कम्बशन जैसे कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड वैसे मान लो दो कार्बन है तो यहां पर टू मोल्स ऑफ एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन चाहिए यहां पर दो कार्बन पर दो ऑक्सीजन है तो यहां पर लिमिटेड सप्लाई हो गई तो यहां पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड निकलता हुआ दिखाई देगा इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कम्बशन तो इधेयर फोर स्टार बनाकर एक बहुत ध्यान रखना ट इनकम्प्लीट कंबन इनकम्प्लीट कंबशन विल गिव लॉट ऑफ स्मोक बहुत सारा आपको स्मोक यानी कि धुआं देगा एंड इज मोर पल्यूटिंग और इससे निकलने वाला जो पॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा एंड इट इज मोर पल्यूटिंग इससे निकलने वाला पॉल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा तो देरफोर इट इज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर पल्यूटिंग क्या चीज क्लियर हो गई क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत पक्की बात श्योर शॉट ठीक है अच्छा इतना जल्दी से लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्क्रीन शॉट लो स्क्रीन शॉट लो ठीक है अच्छा आपने देखा भी होगा आप लोगों ने देखा भी होगा आपके घरों में वो जो गैस स्टोव नहीं होता गैस स्टोव उसमें आपने गैस स्टोव में जो बर्नर होता है जिसमें से आग निकलती है उसमें आप लाइटर में टिक 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 करके आग जलाते हो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं तो पता है छेद क्यों होते हैं क्योंकि आपका जो फ्यूल है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो भी एक प्रकार का कार्बन एनेट्स कंपाउंड है वो भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन है जो एलपीजी होता है वो भी हाइड्रोकार्बन है तो जब वो जलेगा तो आपको उसको ज्यादा से ज्यादा आपको उसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी और उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी वो छेदों में छेदों में जब ऑक्सीजन घुसेगा तो वो अच्छे फ्लेम के साथ जलेगा तो हमेशा ध्यान रखना इफ योर फ्लेम इज प्योर अगर आपको चेक करना है कि आपकी फ्लेम प्योर है या नहीं या कंबशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं सी एम बी एस टी प्रॉपर हो रहा है या नहीं तो ये चेक करेगा ब्लू फ्लेम्स यानी कि अगर आपके आग की जो लपटे निकल रही हैं अगर वो ब्लू कलर की है मतलब ये प्योर है मतलब ये प्योर है लेकिन अगर इमेजिन करो कि आपका वो जो बर्नर है जिसमें आप खाना पका रहे हो उसकी फ्लेम अब नीली नीली ना निकलते हुए नीली या हरी निकल ना निकलते हुए कुछ येलो कलर की या कुछ ऑरेंज कलर की निकल रही है मतलब कि फ्लेम के अंदर कुछ इंप्योरिटीज आ गई हैं फ्लेम इज इंप्योर और जो आपका कंबशन हो रहा है इज नॉट प्रॉपर कंबेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है इज नॉट प्रॉपर यानी कि आपको कुछ येलोइरेंज कलर की जो फ्लेम दिखती है ये आपको क्या बताती है कि आपका जो कलर है आपका जो फ्लेम का कलर है ये क्या बताता है ये बताता है कि भाई साहब आपका जो कलर है फ्लेम का ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि आपका कंबशन प्रॉपर नहीं है या तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है या आप जिस चीज को बर्न कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है।, है जैसे कि जैसे कि पॉइंट नंबर वन जितने भी आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं आप लोग सब जानते ही हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है यह हमेशा हमेशा प्रॉपर कंबशन करता है इट ऑलवेज कंबस्ट प्रॉपरली इसका आपको पूरा कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगा कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगा लेकिन वहीं पर अगर आपके पास में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं तो ये इनकम्प्लीटली कंबस्ट होते हैं आपको इनका इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलेगा आपको इसका इनकम्प्लीट कम्बन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर कुछ सूती फ्लेम्स देखने को मिलेगी सूती फ्लेम्स. And some amount में आपको कार्बन निकलता हुआ दिखाई देगा कार्बन यानी ब्लैक कलर का आपको कुछ पार्टिकल्स भी इससे निकलते हुए देखने को मिलेंगे मतलब आपका तो धुआं निकलता हुआ दिखेगा आप इमेजिन करना आप जो घर में भगवान का दिया वगैरह लगाते हो या अगर आप घर में कहीं पर आग जलाते हो तो वो आग की लपटे निकलती है उसमें कुछ काला काला कपूर आप अगर कपूर जलाते हो कपूर जलाओ तो उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आते हैं देट आर कार्बन ब्लैक और वो जो फ्लेम्स होती है उसको सूदी फ्लेम बोलते हैं बिल्कुल पीले कलर की जो कपूर जलता है एकदम येलो कलर का जलता है जैसे कि आप कोई लकड़ी जला लो कपूर जला लो या बॉन फायर जला लो ये सब चीज़ें जब आप जलाते हो ना उनमें से काली काले कुछ ऐसे पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आते हैं और अगर आपने लकड़ी वगैरह यहां पर जला ली कमरे में तो आपको कमरे की छत जो अगर व्हाइट कलर की कुछ टाइम बाद तो वो काली काली हो जाएगी या भगवान के कमरे में जो भगवान का मंदिर बना होता है उसमें अगर आप कपूर जलाओगे तो ऊपर से काला हो जाएगा आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ पे काला काला पाउडर चिपक जाएगा वो होता है कार्बन ब्लैक क्यों क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जले हैं उसकी वजह से हो रहा है क्या बात समझ में आ गई तो एक बात हमेशा ध्यान रखना जो भी तुम्हारे अनसेचुरटेड कंपाउंड है वो इनकम्प्लीट कम्बस्ट होते हैं वही जो तुम्हारे सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो कंप्लीट कम्बस्ट होता है अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो तुम्हारे घर पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें से कैसी फ्लेम्स निकलती है आप बोलोगे भैया उसमें से ब्लू फ्लेम्स निकलती है मैं बोलूंगा बेटा ब्लू फ्लेम्स निकलने के पीछे आपने क्या लॉजिक लगाया तो आप बोलोगे भैया उसके पीछे मैं दो लॉजिक लगा रहा हूँ पहला लॉजिक कि उसका कंबशन प्रॉपर हो रहा होगा मतलब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी मतलब ये कंप्लीट कम्बशन हो रहा है मैं बोलूँगा बेटा एक ऑप्शन और है कि जो तुम्हारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें सेच्यूरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा कि अनसेचुरेटेड तो आप बोलोगे भैया उसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा अनसेचुरेटेड नहीं होगा क्योंकि अनसेचूरेटेड तो हमेशा इनकम्प्लीट कंबस्ट होता है तो फिर हमारे लिए तो एल महंगी पड़ेगी क्योंकि अगर हम एल गैस का एक सिलेंडर लेकर आते हैं आठ सौ नौ का और अगर उसको जलाकर हमें ढेर सारी एनर्जी ना मिले तो हमारे लिए वेस्ट है तो अगर आपके पास में अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो ये इनकम्प्लीट कंबस्ट होंगे और कम अमाउंट में एनर्जी देंगे लेकिन जो कंप्लीट कंबस्ट होगा वो खूब सारी एनर्जी देगा कंप्लीट कंबसन किससे पता चलेगा ब्लू फ्लेम से और एकदम क्लीन फ्लेम्स एकदम साफ सुथरी फ्लेम्स मिलेगी लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस हो रहा है या उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो येलोइश ऑरेंज कलर की फ्लेम देगा और उसमें से कुछ सूती सूती पार्टिकल्स निकलेंगे कुछ काले काले पार्टिकल्स निकलेंगे क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों तुमको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है अच्छा इसका स्क्रीन शॉट ले लो स्क्रीन शॉट ले लो जरा इसका ठीक है अच्छा अब मैं एक बात आपको और बता देता हूं आपको इनकम्प्लीट कम्बर्शन भी मैंने बता दिया अच्छा अब एक बात हम लोग और लिखते हैं सवाल कई बार आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में दैट वाई कोल एंड पेट्रोलियम वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर पॉल्यूटिंग द इनवायरमेंट क्यों एनवायरमेंट को ये पल्यूट कर रहे हैं तो आप बोलोगे भैया कोल और पेट्रोलियम जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम जैसे तो हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होता, तो होता है जैसे कि मान लो तुम्हारे एलपीजी की बात करें तो एलपीजी ब्यूटेन होता है सी फाइव एच ट्वेल्व जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपको सी ओ टू मिलेगा और आपको एच टू ओ मिलेगा है ना आपको एच टू ओ मिल जाएगा तो छः और पाँच पाँच दोनों दस फाइव टू जै टी सिक्सटीन एट तो ये कुछ इस तरीके से कंबस्ट हो जाएगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो पल्यूटिंग है नहीं वाटर मॉलिक्यूल तो पॉल्यूशन कर नहीं रहे हैं और एनर्जी का पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है फिर पल्यूशन क्यों हो रहा है तो बेटा हमेशा ध्यान रखना दैट यू आर Um, petroleum, petroleum, P E T R O L, E U M. Petroleum, e -U -M right? petroleum also contains petroleum also contains some impurities. Some impurities of sulfur and nitrogen. Of sulfur and नाइट्रोजन तो इनके अंदर कुछ सल्फर और नाइट्रोजन की इंप्योरिटीज भी होती है तो एक्चुअली क्या होता है सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ जल के सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ में जल के एन टू ओ या मैं कहूँ एन ओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसे पल्यूटेंट्स बना लेता है और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो ओजोन को भी डिप्लीट करता है एसओ टू एसिडिक रेन निकालता है एसिडिक रेन कॉज करता है तो इस वजह से जब आप पेट्रोलियम में जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन जब आप ये बर्न करते हो तो इनमें कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन की इंप्योरिटी होने की वजह से कुछ इनवायरमेंट को पल्यूट करने वाले सब्सटेंस भी निकलते हैं जिनकी वजह से आप लोगों को पल्यूशन होता हुआ नजर आता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसको भी जरा नोट करें और जब तक आप इसको नोट कर रहे हैं मैं कंबशन के ऊपर पूछा जाने वाला

अंबाटी राइडू नहीं नहीं वाई डू सम समय डू सम बर्न इन बर्न ऐसा लिखना चाहिए बर्न विथ वाई डू सम सब्स्टेंसेस बर्न्स विथ वाई डू सम सब्स्टैंसेस बर्न्स विथ फ्लेम एंड सम विदाउट फ्लेम कुछ फ्लेम के साथ तो कुछ विदाउट फ्लेम के साथ क्यों बर्न करते हैं आपको ये बताना है तो देखो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना फ्लेम्स मतलब लपटे आग की लपटे तो देखो जो भी सब्सटेंस जब बर्न करते हैं और उनमें से अगर लपटे निकलती हैं आग की फ्लेम्स निकलती हैं तो बेटा फ्लेम्स तभी निकलती हैं जब आप जिस चीज को बर्न कर रहे हो उसके अंदर मौजूद सब्सटेंसेस वेपोराइज हो सके क्या बोला मैंने अगर आप लकड़ी को जला रहे हो अगर आप पेपर जला रहे हो अगर आप कपूर यानी कैंफर जला रहे हो और इनमें से आपको आग की लपटे निकलती हुई दिखाई दे रही है दैट मीन्स इन सब्सटेंसेस के अंदर यानी कपूर के अंदर पेट्रोलियम के अंदर तुम्हारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर जिसमें से भी आग की लपटें निकल रही हैं इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंबस्ट होने पर वेपोराइज हो जाती हैं वेपर में बदल जाती हैं भाप में बदल जाती हैं और जब इनके वेपर्स हवा में निकलते हैं ये आग लग जाती इनमें आग लग जाती है और ये बर्न होने लगते हैं इनकी फ्लेम्स निकलने लगती है वहीं अगर आपके पास में कोई ऐसे सब्सटेंस जैसे आपने कोयले की अंगीठी देखी है वो कोयला जैसा आप किसी मैरिज पार्टी में जाते हो तो वहां पर अंगेठी लगा दी जाती है कोयले की कुछ अंगेठी लगा दी जाती है उसमें कोयला सिर्फ लाल चमकता हुआ दिखाई देता है उसमें कुछ हल्की हल्की फ्लेम जरूर दिखाई देती है लेकिन वो आग की तरह भबक भबक के नहीं जलता एकदम बस लाल चमकदार हो जाता है और आपको दिखता है कि हल्की हल्की सी उसमें फ्लेम्स निकल रहे है आप खड़े होकर आग ताप सकते हो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर जब विदाउट फ्लेम कोई चीज़ जलती हुई दिखाई देती है That means, उसके अंदर ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो भाप बन के उड़ सके जो वेपोराइज हो सके लेकिन जब होगा, तो तो कोयला की में जलेगा। तो कोयला और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जल रहे हैं तो उनके कांटेक्ट में जितनी भी गैसेस है ना वो उस आग की या वो उस कंबशन की प्रोसेस से निकलने वाली जो एनर्जी है कोयले और कार्बन के रिएक्ट करने पे कंबस्शन होगा कंबस्शन के बाद जो एनर्जी निकलेगी जो तुमको गर्मी फील होती है ना तुम अंगेठी के पास खड़े होकर हाथ तापते हो तो जो गर्मी निकलती है वो गर्मी अंगेठी के आसपास मौजूद एयर वो भी अब्जॉर्ब करती है और जब वो एयर अब्जॉर्ब करती है तो एयर के अंदर मौजूद जितने भी गैसेस होती हैं उनके एटम्स उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके ग्लो करने लगते हैं चमकने लगते हैं इसलिए वो सिर्फ ग्लो करती है यानी जो सब्सटेंस विदाउट फ्लेम जलते हैं वो सिर्फ ग्लो करते हो चमकते बल्ब चमक रहा हो लेकिन जो फ्लेम्स के साथ बर्न करते हो उसमें ऐसी आग निकलती है समझ में आ गई आंसर लिखिए इसका चलिए वेरी गुड तो हम लिखेंगे दैट सब्सटेंसेस दैट बर्न्स विथ फ्लेम हैव Substances have substances that can gets vaporized that can gets vaporized that can get vaporized and show flames and shows flames. Whereas substances that burns.

बट ड्यू टू कंबशन एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय नियर बाय गैसेस यानी जो आसपास की गैसेस होती हैं वो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेगी नियर बाय गैसेस बेसिकली गैसेस नहीं उनके एटम्स एंड गेट्स लिट अप और वी कैन से स्टार्ट ग्लोइंग क्या बात समझ में आ गई तो जो विदाउट फ्लेम जो चीज बर्न करती है दैट कैन ओनली ग्लो और जो फ्लेम्स के साथ बर्न करती है उनके पास में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वेपोराइज हो सके तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपके कंबशन से रिलेटेड सारी बात अब इसके आगे की बात यानी कि ऑक्सीडेशन करना एडिशन रिएक्शन करना और सब्सिट्यूशन रिएक्शन करना दैट वी विल डू इन वीडियो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं आई होप ये छोटू सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा तो दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो गाइज बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे लाड लो